स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। ये कहानी है एक अमीर लड़की की जिसने कभी भी अपने पैर वो जमीन पर नहीं रखा है और वो एक दिन अचानक से बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाती है, तो उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हमें देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है ओरियामा कैरिन से, जो कि एक बिलियनर की बेटी है। इसे बचपन से बहुत लाड प्यार से पाला गया है। करीम के पास सब कुछ है, पर इसका हमेशा से सपना है कि इसकी शादी एक राजकुमार से होगी जो इसको लेकर जाएगा। ये आज पूरे 16 साल की हो गई है। सुबह इसकी मैड इसको बेड से उठा के नहलाती है, ब्रश करवाती है, यूनिफॉर्म पहनाती है और रेडी करती है स्कूल के लिए। और इसी दौरान करीम सोई रहती है। उसको कुछ पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज इसका बर्थडे है तो इसलिए बड़े बड़े लोगों ने इसको गिफ्ट भेजा है। फिर ये अपनी लंबी सी कार में यहाँ से बैठकर स्कूल जाती है। वहीं हम एक अमीर लड़के को देखते हैं। इसका नाम उसूजू है और ये करीम का फ्रेंड है और ये बचपन से इसको पसंद करता है, पर करीम इसको हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। आज स्कूल में बहुत शोर हो रहा है क्योंकि स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया हुआ है जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट है। इसका नाम सुरुगी है और बाकी लड़कियों के जैसे ही करीम भी इसे देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। सुरुगी फुटबॉल खेल रहा होता है और करीम उसके पास जाने लगती है, तभी इसको एक फुटबॉल आकर हिट करती है। सुरुगी इसे जल्दी से पकड़कर बचा लेता है। करीम इसके बॉल से तो नहीं गिरी, पर हाँ सुरुगी के प्यार में जरूर गिर जाती है। और रात को करीम का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ पर सब बहुत ज्यादा खुश है। इसके फादर इसे गिफ्ट देते हैं और एक वेडिंग ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी कल होगी और जिस लड़के से होगी उसे मैंने पसंद कर लिया है। अब करीम ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो सामान फेंकने लगती है। फिर इसे पता चलता है कि इसकी शादी सुरुगी से होने वाली है, तो ये काफी खुश होती है, शर्माती है और अपने रूम में भाग जाती है। और अगले दिन शादी होती है, पर ये प्रॉमिस करते हैं कि हम किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे। और यहाँ पर करीम बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको वो लड़का मिला है जिसको वो पसंद करती थी। शादी के बाद करीम अपने ससुराल जाती है और घर देख के पागल हो जाती है क्योंकि ये घर काफी छोटा है। तभी उस घर में से एक भयानक सी लेडी बाहर आती है। इसे देखकर करीम डर जाती है। उसके फादर बताते हैं कि ये तुम्हारी लैंडलॉर्ड है, यानी इस घर की मालकिन। अब दोनों घर में जाते हैं। करीम अपनी फर्स्ट नाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, पर सुरुगी इसके सपने पर पानी फेरते हुए कहता है कि आज मैंने तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी, मेरे फादर का कर्जा चुक जाएगा और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, इसलिए तुम अलग रूम में सोना और मैं अलग रूम में सोऊंगा। और इसे बहुत सुनाता है और इसे ये भी कहता है कि तुम जैसी लड़कियां शकल देखकर शादी कर लेती हैं, तुमने मुझसे इसलिए शादी की है क्योंकि मैं दिखने में अच्छा हूँ। और ये बात इसको बहुत ज्यादा बुरी लगती है। करीम बेचारी सो जाती है और ड्रीम देखते हुए अगली सुबह 10 बजे उठती है और अपने लैंडलॉर्ड को देखकर फिर से डर जाती है। ये खुद से कभी नहीं उठी इसलिए आज इतना लेट उठी है। इसे नहाना भी नहीं आता, ना इसे पानी गर्म करना आता, ना इसे स्कूल के लिए रेडी होना आता है। कुछ घंटों की एकदम धुआंधार मेहनत करने के बाद ये फाइनली रेडी होकर स्कूल जाती है, पर बेचारी रास्ता ही भूल जाती है क्योंकि इसको स्कूल का रास्ता ही नहीं पता कि है कहाँ। और काफी देर बाद इसे उसूजू मिलता है जो इसे पूछता है कि तुम पूरे दिन कहाँ थी, अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई है। पर ये इसे कुछ नहीं बताती और यहाँ से फिर से वापस घर भाग जाती है। और इसको घर आते आते रात हो जाती है। घर पहुंचने पर ये देखती है कि पूरे घर की हालत इतने बहुत ज्यादा खराब कर दी है। ये काफी रोती है क्योंकि इससे छोटे मोटे काम करने भी नहीं आते हैं। सुरुगी को इसके लिए काफी बुरा लगता है, इसलिए ये इसे पानी गर्म करना और मैगी बनाना तक सिखाता है। कुछ दिनों में करीम सब कुछ करना सीख लेती है और एक दिन सुरुगी के लिए डिनर भी बनाती है। डिनर काफी टेस्टी होता है, पर इसके मंथली खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से इनके पैसे खत्म हो जाते हैं। सुरुगी टेंशन में आ जाता है कि घर में खाने का सामान कैसे आएगा। करीम अपने फैमिली को कॉल कर देती है, इसके डैड दोनों को बुलाते हैं, पर यहाँ पर सुरुगी पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि हम पे जितना है उतने में हम खर्चा चला लेंगे। अब ये सुनकर इसके मोम डैड और भी खुश हो जाते हैं और आज रात करीम और सुरुगी इन्हीं के घर में बिताते हैं। अगली सुबह स्कूल जाते हुए करीम अपने रसोइये से माफी मांगती है क्योंकि हमेशा इनके बनाए हुए खाने को ये फेंक दिया करती थी, क्योंकि इसने कभी खाने की इज्जत नहीं की। जब इसको खुद बनाना पड़ा तब इसको पता चला कि कितनी मेहनत लगती है। अब इसकी फैमिली देखकर ये और शॉक्ड हो जाती है कि पहली बार करीम ने जिंदगी में किसी से माफी मांगी है। स्कूल में दोनों अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और सुजुरु को इन पे शक होने लगता है। और वहीं बहुत सारी लड़कियां सुरुगी को खाना ऑफर करती है क्योंकि बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और अगले ही पल करीम जल जाती है और वो सबको वहां से भाग जाने को कहती है और फिर चुपचाप बैठ जाती है। और वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम शाया है, ये वहीं से गुस्से में चली जाती है। सुरुगी उसे आवाज देकर रोकता है और ये देखकर करीम टेंशन में आ जाती है कि ये लड़की क्या लगती है इसकी। अब रात को घर पर करीम इससे साया के बारे में बात करती है, पर ये कुछ नहीं बताता, गुस्सा हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है। अब दोनों की कुछ दिनों तक बात नहीं होती है। करीम स्कूल में चुपके पता लगाने की कोशिश करती है कि ये लड़की कौन है और साया को एक दिन पकड़ लेती है।
और उसे पूछती है कि तुम सुरुगी को कैसे जानती हो। साया कहती है कि छोड़ दो उसे, वो तुम्हें बस पैसे के लिए डेट कर रहा है। पर मासूम करीम कहती है कोई बात नहीं, मेरे फादर के पास बहुत पैसे हैं, दे देंगे हम। और करीम यहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों का रिलेशन थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। सुरुगी को ये भी पता चल जाता है कि करीम को पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो हमेशा किसी न किसी से नकल या हेल्प लेकर ही पास हुआ करती थी, इसलिए इसे पढ़ाने लगता है। करीम अब क्लास में भी नोट्स बनाती है और ये देख कर टीचर और बाकी सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि इस लड़की को हो क्या गया है। सुरुगी से डेट पर जाने को भी कहता है अगर ये अच्छे नंबर लाती है तो। करीम और मेहनत करती है और उस रुजू को इस पर शक हो जाता है और ये इसे पूछता है कि तुम किसी को डेट कर रही हो क्या, और ये मना कर देती है। पर ये लड़का डिटेक्टिव बन जाता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद करीम के टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं। ये बेचारी खुशी खुशी घर जा रही होती है, तभी बेचारी को कुछ लोग आकर किडनैप करके लेकर चले जाते हैं। ये उसूजू के लोग थे। उसूजू ने पता कर लिया है कि इसने शादी कर ली है। उसूजू इसे धमकी देता है कि स्कूल के प्रिंसिपल से बता दूंगा कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हें स्कूल से वो निकाल देंगे, इसलिए तुम जल्दी से उसे डिवोर्स दे दो। अब ये देख के करीम शॉक्ड हो जाती है कि जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी ये तो साइको निकला। अब यहाँ पर करीम को सब ढूंढ रहे होते हैं। करीम ने फोन करके बता देती है कि मुझे उसूजू ने किडनैप कर लिया है। सुरुगी बिना कुछ सोचे समझे करीम को बचाने जाता है। उसूजू उसे भी पकड़ लेता है और कहता है कि तूने उससे पैसे के लिए शादी की है, मैं उसे खुश रखूंगा, मेरे पास पैसा है, ये है वो है, तेरे पास क्या है। और फिर इसको कहता है कि तू उसको डिवोर्स दे दे। अब सुरुगी को भी उसूजू से प्यार होने लगा, इसलिए ये उसके फादर के घर भेज देता है और खुद अपने घर चला जाता है, यानी कि अब ये उसके साथ नहीं रहेगा। और इससे प्रॉमिस करता है कि कल हम डेट पर जरूर जाएंगे। अगले दिन दोनों डेट पर जाते हैं। सुरुगी इसकी तारीफ करता है। दोनों एक्वेरियम में जाते हैं, सीड फूड खाते हैं। पूरे दिन अच्छे से बिताने के बाद एंड में सुरुगी इसे डिवोर्स की बात करता है और करीम बेचारी दुखी होकर रोते हुए अपने घर चली जाती है। वहाँ सुरुगी को भी अपनी फैमिली से बहुत डांट पड़ती है। करीम की फैमिली भी टेंशन में आ जाती है कि सुरुगी ने ऐसा क्यों किया है। करीम से मिलने उसूजू आता है और इसे अपने साथ बाहर ले जाता है। दोनों डांस करते हैं जैसा करीम हमेशा से करना चाहती थी। उसका सपना था एक राजकुमार आए, डांस करे, मेरे को अपने साथ ले जाए। वो सारी चीजें उसूजू पूरी करता है। यहाँ दूसरी तरफ सुरुगी के पास डिवोर्स पेपर भी आ गए हैं। यही इसे करीम की बुक भी मिलती है जो कि प्रिंसेस की है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि करीम को आखिर क्या चाहिए। ये उसूजू के पास जाता है और करीम से दूर रहने को कहता है। उसूजू इसे बताता है कि करीम ने इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो सुरुगी से प्यार करती है। सुरुगी भागता हुआ इसके घर जाता है और यहाँ पर इसको करीम मिलती है। दोनों किस करते हैं और सुरुगी यहाँ पर अपना प्यार जाहिर करता है। और फिर हम देखते हैं 5 साल बाद का सीन जहाँ पर इन दोनों की शादी हो रही है और इस बार शादी में सारे लोग शामिल है और सब बहुत ही ज्यादा खुश है और यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग।